चल जा। वो मैंने अब पहले वही भाई मेरे सवाल पूछेंगे बस ठीक। ये टैग पैटर्न है मुझे पता है कि जो अभी पार्ट ऑफ इंडिया डोमेस्टिक सेटअप हो चुका है, ये जो नया सेटअप आया है इसमें ये हमने देखा कि आज जिस तरह ये मैच हुआ है कि लास्ट मोमेंट तक नहीं पता था कि कौन सी टीम फाइनल में जाएगी, बट यू फील द सिस्टम इज वर्किंग, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग। देखिए ऑब्वियसली ये होल कॉन्सेप्ट था इस सिस्टम का कि एक कंपेटिटिव क्रिकेट आपको नजर आए, क्वालिटी वर्सेस क्वालिटी, और वो आपके सामने ऑलरेडी के कुछ मैचेस के रिजल्ट जिनके नहीं भी आए हैं उसमें आपको क्वालिटी क्रिकेट ज़रूर नज़र आई है। अब उस पर सबसे जो अच्छी चीज़ हो रही है कि आपकी चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही हैं कि क्या क्या आपकी चीज़ों का फुकदान है, चाहे आपके फास्ट बॉलर्स हैं चाहे आपके स्पिनर्स हैं, कितना ज़्यादा कंपटीशन आपको नज़र नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं। तो सबसे बड़ा सिस्टम की खूबी ये है कि एक तो अच्छी परफॉर्मेंसेस सामने आ रही हैं लेकिन जो हमारे वीकर साइड्स हैं वो एक्सपोज हो रहे हैं जी, कि हमारे पास पेस वाले बॉलर्स नहीं है उतनी जो कोको बरा बॉल से इन पिचेस के ऊपर आउट करें, या स्पिनर्स क्वालिटी उस तरह नहीं आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई हुई हैं। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त है कि क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने में मिल रही है, कि हर टीम के अंदर आपको सारे अच्छे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं। पहले होता था कि ना दो तीन बैट्समैन आउट हुए आपको पता चला अब पीछे कुछ नहीं बचा, अब आज भी देखा होगा आपने कि एक के बाद एक अच्छा बैट्समैन आ रहा है और सारी टीमों में यही चीज़ आपको नज़र आई है, तो क्वालिटी का स्टैंडर्ड डेफिनेटली ऊपर गया है। जैसा कि आपने डिक्लेयर किया और उसके बाद मैच जिस तरीके से आप जीते, तो आप लग रहा है कि पूरा जैसा कि स्टोरी आपके दिमाग में थी वैसा ही हुआ या कहीं मुश्किल लग रहा था कि फैसला गलत ना हो जाए? नहीं देखिए, जब आप डिसीजन करना होता है कोई भी इस तरह का तो आपने क्लियर हेड होना है उसमें कि आपका पता है आपको कि जब हमने डिक्लेयर किया था तो नुमान भी उधर ही मौजूद था, तो पूरी फिल्म जेन में चलती है आपकी। हमारा टारगेट था कि दो विकेट हमने लेनी है और अल्लाह ने किया कि ऐसा ही हुआ, दो विकेट हमें मिली, क्योंकि कुछ लोग आप शायद कह रहे होंगे 30-40 रन कम और हमें करने चाहिए थे, लेकिन जब वो दो विकेट हमें मिल गई तो वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, आपके 50 रन आपके वहाँ पर ऐड हो गए हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट देखें डोमेस्टिक क्रिकेट के, अभी रईस भाई ने भी बात की है, हमने ये क्रिकेट डोमेस्टिक लेवल पे खिलानी है, ये प्रेशर लड़कों को फील कराना है कि डेड रबर्स का फ़ायदा नहीं है। तो ये जो सिनारियो था, अब इससे जो भी प्लेयर्स गुजरे हैं चाहे वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं चाहे वो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे आप जाते हैं तो इसमें सिचुएशन आपको मिलती है कि प्रेशर, तो हमने कंपटीशन ऐसा हमने डेवलप करना है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कि जो मीट कर सके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को। तो हमारा काम एज अ कोचेज ये है कि इन यंगस्टर्स को या जितने भी हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनको उस सिचुएशन में डालना है कि ताकि उनको वो एक्सपीरियंस हो के ऊपर जाएं तो उनके लिए कोई नई चीज़ ना हो कि डेढ़ दिन बैटिंग करनी है या हमने आखिरी इनिंग सर्वाइव करनी है या इस तरह की डिक्लेरेशन की हो जाए तो बॉलर्स रेडी हों, तो एक्सरसाइज उसी चीज़ की हो रही है। आई थिंक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट सारी दोनों टीमों पे आएगा फाइनल के लिए, क्योंकि नॉन स्टॉप काफ़ी लंबी क्रिकेट हुई है और इस तरह की एग्जॉस्टिव क्रिकेट हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ने अरसा दराज से नहीं खेली है। आपको याद भी नहीं होगा लास्ट टाइम के कब दो मैचेस ऐसे हुए हैं कि जिसमें 150 ओवर टीमें फील्डिंग कर रही हैं, इतनी लंबी बॉलर्स बॉलिंग कर रही हैं, तो मच नीडेड रेस्ट। तो आई थिंक ये अच्छा हो गया कि गैप ये बढ़ गया है कि लड़के दोनों टीमों के अब फ्रेश आएंगे, ज़रा आपको और ज़रा एनर्जी भी उनमें नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा है कि एक तो प्रेशर भी है दूसरा साथ साथ एग्जॉस्ट हो गए हैं लड़के, फिजिकली काफ़ी ज़्यादा फटीग आपको नज़र आ रहे थे, तो ये होपफुली फाइनल तो एक्साइटिंग होगा, लेकिन जिस तरह नॉर्दर्न आई है तो मैं वॉर्न कर लूँ पहले ही सेंट्रल वालों को यहाँ पे, तो मुझे उनके चांसेस नज़र नहीं आ रहे। थैंक यू, बहुत अच्छा किया। कैसे देखते हैं इवेंट को, नए फॉर्मेट पे आया, नए सिस्टम पे आया, क्या होप्स हैं, प्राइस मनी ह्यूज है, कैसे देखते हैं? हाँ जी, पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि ये हम लोग फाइनल में हम लोगों ने क्वालिफाई किया, और ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर था क्योंकि यहाँ पर अब मैं बैट्समैन और स्पिनर्स की बात करूँ तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस मिला है, यहाँ पे हमें लंबे बॉलिंग करने का मौका मिला है, तो जिसकी वजह से माशाल्लाह परफॉर्मेंस भी हुई है। पहले पिछले सीजन्स में ये होता था कि चांसेस बॉलर्स को कम मिल, स्पिनर्स को कम मिलते थे, लेकिन ये एक अच्छा वो था पीसीबी का, और जिसकी वजह से स्पिनर्स को भी और बैट्समैनों को भी देखें तो आप काफ़ी लंबे रन हुए हैं, पहले 100 मतलब एक अच्छा होता था, अब ये कि बैट्समैनों ने 200 भी किए हैं जी, तो काफ़ी अच्छा रहा ये। फाइनल जी, अभी तो हम लोग फाइनल में क्वालिफाई किया है तो अभी उसके लिए हमारा रेस्ट है 15-20 दिन, जब हमारा कैंप लगेगा तो ऑब्वियसली जब कोच और जब हमारा कैंप लगेगा तो उसके साथ मिलके जो प्लानिंग होगी, और इंशाल्लाह पूरा होपफुल है जिस तरह हम लोगों ने आखिरी के 4 मैचेस खेले तो फाइनल में भी इंशाल्लाह हम इसी तरह खेलेंगे। क्या थी?
क्रिकेट है, पहले पाँच राउंड के बाद टीम बॉटम पर थी, और मतलब ये कहते हैं सिंध और नॉर्थन दो कमजोर तरीन टीमें लग रही थी, बट सिंध तो बहरहाल वहीं की मिल रही। आपकी टीम में क्या टर्न अराउंड जो आया पूरा के बॉटम से टॉप पर आ रही है और फाइनल के लिए कंटेस्ट कर रही है, किस तरह पूरा टीम बनी? देखिए, एक तो अगर हम बैटिंग की बात करते हैं ना, नॉर्थन की बैटिंग शुरू से क्लिक किया हुआ था बैटिंग में, जब आपको रन्स नज़र आ रहे थे, थोड़ा सा बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा ऐसा था कि विकटें हम नहीं दे पा रहे थे, अब इसी बॉलर्स ने, बाकी टीमों में भी ऐसा हुआ है लेकिन नॉर्थन में भी ऐसा था कि हमें विकटें उतना नहीं मिल रही थी, बैटिंग हमारी ठीक चल रही थी, तो वो बॉलर्स ने स्टेप अप किया। उसके बाद बैट्समैनों के भी अगर आप देखते हैं तो एक चीज़ मैं और भी ऐड करना चाहूँगा स्ट्रक्चर के हवाले से भी, और जो अप्रोच नॉर्थन की है कि देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट जब पाकिस्तान टीम खेलती है, आपको भी गिला शिकवा है पास में, हमें भी रहा है कि हम शायद उस ब्रांड की क्रिकेट नहीं खेलते कि जो कि रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट की, एंड दैट्स व्हाट वी ट्राइंग टू डू है कि कम से कम नॉर्दर्न में, बाकी कोचेज की भी यही कोशिश है कि ना सिर्फ आप सेंचुरियाँ देखी जाएँ, बैट्समैनों के रन्स देखे जाएँ, उनका स्ट्राइक रेट भी देखा जाए, बॉलर्स हैं उनके लंबे स्पेल भी देखे जाएँ, साथ में उनकी फिटनेस कैसी है, तो जो रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट की है कोशिश हम कर रहे हैं कि डोमेस्टिक लेवल पर वही उसी ब्रांड की हम क्रिकेट खेलें, क्योंकि हम समवेयर कुछ सालों से हम कन्फ्यूज़ हैं कि हमने कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है। 80s 90s में अगर आप देखते हैं तो एक चीज़ तो आपको पता था कि पाकिस्तान टीम कौन से ब्रांड की क्रिकेट खेलती है, तो आस्ते आस्ते हम थोड़ी सी वो कन्फ्यूजन आई थी, हम कोशिश कर रहे हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे उस कन्फ्यूजन को दूर करें ताकि लड़का यहाँ से जाए तो उसको पता हो कि मैंने टेस्ट क्रिकेट भी कैसे खेलनी है, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। देखें, हर प्लेयर की उसको मतलब पहले तो उसका काम होता है कि परफॉर्म करना है, और माशाल्लाह मैंने परफॉर्म किया हुआ है और मैं टॉपर हूँ, तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला से उम्मीद है क्योंकि चांस ज़रूर मिलेगा, तो एक चीज़ अच्छी है कि होम सीरीज़ है तो इसमें मतलब अपने प्लेयर्स को चांस मिल सकता है, तो पूरी मैं तो पूरी उम्मीद हूँ क्योंकि मैं माशाल्लाह 53 आउट है तो काफ़ी उम्मीद है अल्लाह से। जी बहुत अच्छी, मेरा सेकंड होम पिंडी आप कह लें तो मतलब बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी अगर मैं वहाँ पर सिलेक्ट होता हूँ, और मैं पिंडी के अंदर अगर मैं पाकिस्तान टीम से खेलता हूँ तो ये मेरे लिए बहुत एक बड़े एजाज की बात होगी। लेकिन डोमेस्टिक सीज़न का जो बेसिकली मकसद ही होता है, ओबवियसली परफॉर्मेंसेज आप देखते हैं, एंड ऑफ द डे आपने पूल ऑफ प्लेयर्स बनाना कि आपके पास कितने ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनमें पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान खेल सके, तो इस ट्रॉफी के बाद ऑलरेडी काफ़ी लड़के यू नो हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, तो एक पूल ऑफ प्लेयर्स हमारे पास मौजूद होगा कि ये प्लेयर्स हैं इनमें से फाइनल आपकी सिलेक्शन होनी है। लेकिन जो आगे की आप सिलेक्शन की बात करें तो सुबह आ जाएंगे, वापस आ गए हैं वो, तो पहले तो ऑस्ट्रेलिया जो परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद अगली सीरीज है उसके लिए प्लानिंग की जाएगी। थैंक यू तो मेरे साथ बैठ के मेरे पे प्रेशर डाल कर।